फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ओपन हेलिक्स टेल ट्यूटोरियल में। और सब्सक्राइब करने के लिए बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को बजाएं। हाय दोस्त, आज मैं आपको अल्ट्रा में डाउन लिंक और अपलिंक को कैसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे उसके जानेंगे उसके बारे में, आज मैं इसको के बारे में डिटेल तरह से मैं आपको बताऊंगा। बहुत ऐसा इंजीनियर है जिनको डाउट रहता है यार अपलिंक और डाउन लिंक। अगर कोई पूछ दिया अपलिंक क्या है भाई साहब बताइए, तो बोलता है सर मैं नहीं जानता हूँ, डाउन लिंक क्या है तो नहीं जानता हूँ। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल से मैं आपको बताऊँगा अपलिंक और डाउन लिंक क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं अल्ट्रा बीटीएस में पहले डाउन लिंक पाथ क्या है, डाउन लिंक हम लोग कैसे पहचानेंगे अल्ट्रा बीटीएस में, ठीक है। तो दोस्तों, डाउन लिंक पाथ आप यहाँ पे देखें, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है, ठीक है। आप सबसे पहले कुछ हार्डवेयर के बारे में जान ले, इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए पावर कार्ड है जिसको हम लोग PWSB बोलते हैं, और ये BB2F है, और ये यहाँ पे बोया कार्ड है बेसिक ऑपरेशन इंटरफेस यूनिट, जो सबसे मेन होता है अल्ट्रा में, मतलब ब्रेन ऑफ BTS। और ये ट्रांसमिशन कार्ड है मेरा, और ये अब जो देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ये अल्ट्रा कार्ड है जिसको हम TSGV बोलते हैं। और ये मल्टी कपलर है दोस्त, इस साइड M2LA, अगर 12 TRX है तो 6 मल्टी कपलर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक मल्टी कपलर पे 2 TRX चलता है। ये देख रहे हैं डुप्लेक्सर है, DVJA, ये डुप्लेक्सर DVJA, ये डुप्लेक्सर इसको बोलते हैं। और ये कम्बाइनर है WCGT या WCGA, दो टाइप, एक 3 पिन का रहता है, 6 पिन 9 पिन भी रहता है दोस्त इसमें। अब चलिए हम लोग पाथ के बारे में जानते हैं। अगर डाउनलिंक पाथ देखा जाए तो पहले फ्रॉम BSC थ्रू माइक्रोवेव एंटीना, ठीक है, BSC मतलब जो BSC के तरफ से आ रही है पाथ, या चाहे फाइबर लिंक हो या माइक्रो हो, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं पहले। तो फ्रॉम BSC थ्रू माइक्रोवेव एंटीना, मतलब पहले अगर माइक्रोवेव एंटीना से आ रहा है, तो अगर आपके अल्ट्रा BTS में UNT1 लगा हुआ है या RRI लगा हुआ है, तो पहले RRI में जाएगा, ठीक है, RRI में जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन यूनिट मतलब पहले BSC से आएगा फाइबर होते हुए या जो भी होते हुए, आपको पहले RRI में जाएगा, फिर RRI से जाएगा आपका BB2F, ट्रांसमिशन कार्ड से BB2F में जाएगा दोस्त, फिर BB2F से जाएगा TRX में, फिर TRX में जाएगा, TRX में जाएगा, TRX से फिर जाएगा वाइड बैंड कंबाइनर में, जब लोग जिसको हम लोग WCGT या WCGA भी बोलते हैं, कंबाइनर के बाद जाएगा डुप्लेक्सर में, डुप्लेक्सर के बाद जाएगा GFC एंटीना, कुछ पासेस द सिग्नल थ्रू द एयर इंटरफेस टू द MS मतलब मोबाइल स्टेशन, ठीक है। अगर डाउनलिंक पाथ चेक करना है, अगर RF वाला बोलते हैं कि नहीं यार आपका डाउनलिंक पाथ में इशू है, तो डाउनलिंक पाथ आपको इस तरह से देखना है, ठीक है। पहले माइक्रो में एरर देखना है, एरर है कि नहीं है, फिर BB2F पे देखना है, BB2F मेरा सही कि नहीं, TRX है, TRX देखना है, अगर सेक्टर में बताएगा कि ये सेक्टर में कुछ इशू है तो इसको देखना है। अगर सेक्टर में इशू है दोस्तों, माइक्रो छोड़ दीजिए, माइक्रो अगर इशू रहेगा तो तीनों सेक्टर में इशू रहेगा, ट्रांसमिशन कार्ड में इशू रहेगा, तीनों सेक्टर में इशू रहेगा। सेक्टर में इशू रहेगा तो BB2F पे डाउट जाएगा, BB2F का इशू हो सकता है, नहीं तो TRX का इशू हो सकता है, ठीक। फिर TRX पर बाद जाता है वाइड बैंड कंबाइनर में, कंबाइनर के बाद आइए, कंबाइनर में भी इशू हो सकता है, फिर डुप्लेक्सर में भी इशू हो सकता है, उसके बाद GSM एंटीना, हुच पासेस द सिग्नल, GSM एंटीना, जो मेरा GSM एंटीना फीडर या जम्पर केबल से कनेक्ट रहता है, तो
उसमें भी यूज़ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है डाउनलिंक पाथ चेक करने का तरीका है, और इस तरह से हम लोग डाउनलिंक पाथ के बारे में अच्छी तरह से अगर कुछ भी इशू होता है तो हम उसको फाउंड आउट कर सकते हैं। चलिए अपलिंक के बारे में जानते हैं दोस्तों। अपलिंक क्या है? अपलिंक में ये उल्टा है, रिवर्स से दोस्त, ठीक है, प्रोसेस वही है, ठीक है, ये उल्टा जाएगा। देखिए इसमें एरो क्या है, ऊपर गया है, और डाउनलिंक में क्या है, एरो नीचे आया, मतलब वो आया और ये गया, अपलिंक गया। अपलिंक मतलब डाउनलिंक, अपलिंक ऊपर गया, ठीक है। तो अपलिंक किस तरफ से है, पहले जीएसए एंटीना में आया, फिर जीएसए एंटीना से गया आपका जीएसए एंटीना से आया, फिर जीएसए ड्यूअल वेरिएबल गेन डुप्लेक्स फिल्टर, फिर डुप्लेक्सर में गया, फिर डुप्लेक्सर से गया मल्टीकपलर में, सीधा मल्टीकपलर से, जो मल्टीकपलर से दो केबल आता है दोस्त डुप्लेक्सर पे, उस पर गया, फिर मल्टीकपलर से सीधा गया टीआरएक्स में, ठीक है। दो सीएनटी, देखिए मल्टीकपलर से दो सीएनटी कनेक्ट रहता है टीएचजीबी में, अगर देखेंगे आप ध्यान से जाके, फिर बीयूटीएफ से, फिर ये टीआरएक्स से जाता है बीयूटीएफ में, बीयूटीएफ से जाता है ट्रांसमिशन में, फिर ट्रांसमिशन से जाता है पीएससी थ्रू माइक्रोवेव एंटीना या फाइबर के थ्रू जाता है दोस्त। तो अपलिंक पाथ ये है। अपलिंक पाथ में भी अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं यार अपलिंक पाथ में इशू है, तो अपलिंक पाथ में एकदम ईजी से चेक कर सकते हैं। पहले आप डुप्लेक्सर चेक कीजिए, फिर जम्फर चेक कीजिए, डुप्लेक्सर चेक कीजिए, डुप्लेक्सर अगर सही है तो मल्टीकपलर चेक कीजिए, मल्टीकपलर सही है तो टीआरएस चेक कीजिए, टीआरएस अगर सही है तो बीवीट्यूब चेक कीजिए, बीवीट्यूब सही है तो ट्रांसमिशन कार्ड देखिए, अगर ट्रांसमिशन कार्ड भी सही है तो आप माइक्रो लीक में, माइक्रो पाथ में देखिए, कोई तो एरर तो नहीं है, क्योंकि एरर के कारण भी आपके अपलिंक पाथ में इशू आ सकता है। तो दोस्तों आगे की वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको जो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा वो देखने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा दोस्त। तो थैंक यू दोस्त, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।